फैमिली वालों ने तो मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया ही था, लेकिन साथ ही साथ क्या कहते हैं, कुछ दिन बाद मेरे कलीग्स ने भी मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया मेरे ऑफिस में। तो आप जाइए और वो वाले क्लिप्स भी जरूर देखिए। सबका नंबर आएगा। चलो वेलकम बॅक गाईज। तर कसं आहे की जनरली मला आवडत नाही बर्थडे सेलिब्रेट केलेले, बट आता मी जिथे वर्क करतो, जिथे मी काम करतो, तिकडे जे कलिग्स आहेत माझे आणि माझे बॉस आहेत, त्यांनी मिळून माझा बर्थडे काइंड ऑफ सेलिब्रेट केलेला आहे। अँड वी आर ओवर हियर सेलिब्रेटिंग माय बर्थडे, सो दिस इज आर टीम। ये हमारे डेटा सेंटर हेड है, ये हमारे मैनेजर है रुपेश सर, देन महेश सर है जो मॉनिटरिंग के मैनेजर है, मॉनिटरिंग के सुनील सर है यहाँ पे, सुनील सर हाय कर दीजिए, देन संदेश सर है, देन मैनेजर है बैकअप के, बैकअप मैनेजर, एंड यहाँ पे हमारी ये आरिफ भाई है जो बैकअप रोल अदा करते हैं, देन वी हैव के, देन वी हैव केदार, मनोहर, गोल्डन यहाँ पे और गोल्डन, ये भी टीम मेंबर्स हैं हमारे। तो वी ऑल आर डीसीबीएंस बेसिकली, एंड यस वी आर सेलिब्रेटिंग माय बर्थडे ओवर हियर, दैट अबाउट सर है जो मेरे मैनेजर है मेरे जो कुछ काम के नहीं है मेरा हो गया अभी उसका मैनेजर के मैनेजर के लड़के सर डिवाइड कर पूरी चेंज कर नहीं डिवाइड है सर नहीं ये सब ऑर्गेनाइज किया है और ये है संतोष सर हाय करें सर हाय ऑफिस में बर्थडे सेलिब्रेशन कैसा लगा? अच्छा लगा मेरे को, अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि पहले तो मतलब ये क्या कहते हैं कि मजाक काइंड ऑफ ही चल रहा था, पार्टी जैसे वो कहते कह रहे पार्टी करके, तो कुछ बोला तो नहीं था मैं पार्टी का, मतलब कुछ हाँ भी नहीं ना भी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। देन आई गेस उन लोगों ने ही डिसाइड किया, मतलब मेनली राम सर और हमारे रुपेश सर है, संदेश सर है, जो बाकी के कुछ लोग हैं उन्होंने शायद से डिसाइड किया कि केक लाते हैं, राम सर ने किसी के लिए डिसाइड किया कि केक लाते हैं, एंड देन फिर मेरे को लगा केक लेकर आएंगे, लेकिन देखा तो वो तो साथ में समोसे वगैरह भी लेकर आए, मतलब स्नैक्स भी थे, अच्छा जेस्चर था उनकी तरफ से, अच्छा था, नहीं मेरे को अच्छा लगा। एंड ऐसा पहली बार मतलब बाहर कहीं पे सेलिब्रेट हुआ है मेरा बर्थडे, मतलब जनरली अपन एक तो पहले करते नहीं थे, बाद में जो शुरू किया वो अपन ने घर में ही शुरू किया, मतलब घर के घर में ही
सिर्फ अपने लोग, सिर्फ अपनी फैमिली. एंड फिर ये फर्स्ट टाइम ऐसे यहाँ पर हुआ, मतलब कलीग्स ने किया बोल, या फिर जो DCB की टीम थी हमारी तो उन लोगों ने किया, तो इसको अच्छा लगा. एंड थैंक यू एवरीवन, जो जो अगर ये ब्लॉग देख रहे होंगे तो उन सबको मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को वो अच्छा लगा, मतलब सही था, अनएक्सपेक्टेड था, तो बहुत अच्छा लगा. तो ये था लास्ट एंड फाइनल मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन. तो क्या है कि उस दिन के बाद मेरी थी छुट्टी, लेकिन तन्वी का वर्क फ्रॉम होम चालू था. तो इस वैसे भी वो एक तो काम चोर है, और उसकी हेल्प करने के लिए फिर मैंने बीड़ा उठाया कि घर की मैं साफ़ सफाई करूं, और मैंने घर की साफ़ सफाई की. आप वो वीडियो देखिए, और उसके बाद हम मिलते हैं व्लॉग के आखिर में. हम लोग क्लोथ से शुरू करेंगे, क्योंकि सारे कपड़े ऐसे ही वो रस्सी पर लटके हुए पड़े हैं, तो पहले हम क्लोथ सारा घड़ी वगैरह करके अंदर रखेंगे. सोफ़ा आपको दिख रहा है नीचे, सोफ़ा कहो या फिर बेडशीट कहो, जो भी कहो इसको, यहाँ पे मतलब टाइगर सोया कुत्ता वहाँ पे अभी. तो यहाँ पे सीन क्या बताए, इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम हमारा बहुत सारा कंटाले वाला काम जो है, कंटाले वाला काम इन द सेंस हम लोग यहाँ पे बहुत सारा कचरा फेंक देते हैं. कचरा इन द सेंस हमें पहनने वाले कपड़े, ना पहनने वाले कपड़े, धोने वाले ना धोने वाले, सब इसके ऊपर रहते हैं. क्योंकि क्या है कि इसके ऊपर कोई एक चीज़ ऐसे चद्दर वदर ओढ़ दो तो किसी को पता नहीं चलता कि इसमें है क्या. तो अभी वैसे देखा जाए तो बहुत सारा सामान उसके ऊपर है, बहुत कुछ वहाँ पे बिखरा पड़ा है. तो अभी मैं टाइगर को वहाँ से हटाऊंगा, प्लस वो सब कुछ साफ करने दूंगा. ये जो सारे कपड़े रखे थे, ये सारे धोए हुए कपड़े, ये सब पता नहीं कब धोए हुए हैं, लेकिन बहुत टाइम पहले धोए हुए हैं, तो उनको अभी घड़ी करके अंदर रखेंगे. क्विक अपडेट है, तन्वी ने, मेरी वाइफ ने एक नया बिजनेस शुरू किया है. लेट मी शो यू. हम लोगों ने टिश्यू का एक नया बिजनेस शुरू किया है, इसलिए हमने इतने सारे टिश्यूज लाए हैं. ये टिश्यूज अभी हम बेचेंगे 50 के थी. ये घर के यूज के लिए इस औरत ने इतने सारे टिश्यूज लाए. ये है वो औरत जिसने घर के यूज़ के लिए टिश्यू का सारा भंडार लाया है. टाइगर छोड़, तेरे साथ नहीं खेल रहा. हाँ, इतने सारे घर के यूज. These all are my gifts. Oh, ये जो तन्वी ने मेरे लिए
आईफोन लिया था उसका बॉक्स है ये उसने छुपा कर रखा था वहाँ पीछे सोफे के पीछे। तनु मिल गया तेरे को, छुपा के रखा था तूने ये बॉक्स? हाँ तेरे को नहीं मिलना चाहिए, सोफे के पीछे छुपा कर रखा था। मिल गया अब, लेकिन चलेगा ना वापस ले गया, अभी मिल गया तो चलेगा। साफ तो कर दिया लेकिन मेरे को बिफोर और आफ्टर में इतना फर्क नजर नहीं आ रहा। आई डोंट फील एनी डिफरेंस साफ करने से पहले में और साफ करने के बाद में। बट इट इज व्हाट इट इज, कर तो दिया है। तो फिलहाल हम आए हैं तन्वी के डेंटल ट्रीटमेंट के लिए। जो डॉक्टर है मतलब जो डेंटिस्ट है वो उसके दांत में मतलब जो क्या कहते हैं वो जो मांस वगैरह अस्त ना तो वहाँ पे उसके अंदर कैल्शियम भर रहे हैं ताकि और भी हड्डी बने। एंड उसके बाद फिर उसको फिर से डॉक्टर ने क्या किया कि वो जो नकली जो उसका दांत है फिलहाल टेम्प्ररी वाले वो उन्होंने स्टिक कर दिए सीमेंट से लगा कर। तो वो देखो वो जो पीछे जो उनकी हेल्पर काम कर रही है वो सीमेंट ही रेडी कर रहे सो दैट उसके दांत वहाँ पे स्टिक कर सके। तो ये था मेरा लास्ट बर्थडे सेलिब्रेशन ब्लॉग। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे। एंड हाँ अगेन जैसे आपने देखा इस ब्लॉग में कि मेरे जो कलीग्स थे ऑफिस के उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट किया वहाँ पे मेरा। तो ऑल इन ऑल मज़ा तो आया इन सारी चीज़ों में, थोड़ा सा ऑकवर्ड वाला चीज़ था बट स्टिल आई एंजॉयड। एंड दिस इज़ अबाउट दिस ब्लॉग। तो आप इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कुछ होगा तो। एंड हमारे चैनल सागर तनु डायरीज को सब्सक्राइब भी कीजिए और वेट कीजिए अभी हमारे नेक्स्ट ब्लॉग का। विल सी यू इन आर नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड लाइफ, हैव अ हेल्दी लाइफ। बाय।